हेलो गाइस, मैं एक नया वीडियो लेकर फिर आपके पास आ गया। आज हम देखेंगे कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं। तो पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बनाते हैं, आपने पहले भी देखा होगा कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेते हैं। इसमें आईएसओ की जरूरत पड़ती है और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे लाइक रफा हो या फिर यूएसबी इंस्टॉलर हो और एक्स वाई जेड बहुत सारे हैं, इंटरनेट पर मिल जाएगी आपको। तो आज हम वो सब ट्रिक्स नहीं ट्राई करेंगे। हम किसी चीज़ को डाउनलोड नहीं करेंगे। हमारे पास एक आईएसओ फाइल का पैकेज होना चाहिए। अगर हमारे पास आईएसओ फाइल भी नहीं है फिर भी हम बूटेबल बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सिंपल देखिए मैं बताता हूँ। पेंट के ज़रिए से अभी तक हमने ट्राई किया होगा या फिर देखा होगा, रफर्स वीएसडी इंस्टॉलर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से हम लोग बनाते थे, जिसमें से हमको 8 GB पेन ड्राइव चाहिए होती थी और हम उसको रफर्स या फिर जो भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होती थी उसमें हम आईएसओ इमेज फाइल, जो डिस्क इमेज फाइल होती थी, छोटी सी इमेज फाइल, इसको हम इंक्लूड करके हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाते थे, जिसके लिए हमको रफर्स हो, यूएसबी हो या कुछ भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता था। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे पास एक आईएसओ पैकेज फाइल होनी चाहिए। आईएसओ पैकेज फाइल जैसे लाइक क्या बोलते हैं, जैसे आईएसओ आईएसओ फाइल होती है, आईएसओ छोटी सी फाइल होती है 3-4 GB की, तो उसका टूटा हुआ भाग, जैसे कि आप डीवीडी में अगर डीवीडी चला रहे हो या डीवीडी से इंस्टॉल कर रहे हो, तो डीवीडी जब आप डालोगे तो उसमें दिखेगा क्या, एक इंस्टॉलर फाइल मिलेगी, इसको बोलते हैं आईएसओ इमेज आईएसओ पैकेज फाइल। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे हमारे पास डिस्क नहीं लगा हुआ है, मैं डिस्क लगा देता हूँ, या फिर अगर आपके पास डिस्क नहीं है तो आप एक छोटा सा माउंट फाइल भी कर सकते हो। एक दूसरी दूसरी चीज़ है ये, अगर आपके पास अल्ट्रा आईएसओ है, अल्ट्रा आईएसओ इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें माउंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास आईएसओ फाइल ये रखा हुआ है 10 का, तो 10 का आईएसओ फाइल, ये सब 10 का आईएसओ फाइल है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पैकेज फाइल बने। तो अभी मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सीधा अल्ट्रा आईएसओ में खुल जाएगी। लेकिन छोटी सी डिस्क इमेज फाइल होती है जो दिख रही है, छोटी सी फाइल, बट मेरे पास पहले से पैकेज फाइल रखा हुआ है। ये होता है पैकेज फाइल, आईएसओ का पैकेज फाइल। जब आईएसओ छोटा सा रहता है वो टूट जाता है या फिर बिखरता है, तब ऐसा बन जाता है। उसके हर एक बूट फाइल्स, सिस्टम फाइल्स सब अलग अलग हो जाते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत है। अगर आप डीवीडी में आईएसओ फाइल डाले होंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अगर आप माउंट करना चाहते हैं, माउंट दिखा देता हूँ माउंट कैसे करते हैं। सिंपल, इस पर राइट क्लिक करेंगे, अल्ट्रा आईएसओ पे जाएंगे, माउंट टू ड्राइव जी, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे जी पे जाएंगे तो जी पे देखिए ये फाइल आ गया। अब ये अगर ओपन करता हूँ देखो वही आया पैकेज फाइल, जो छोटा सा फाइल था वो बड़ा फाइल ऐसा बनकर आ गया। तो हमें इसी की ज़रूरत होती है। तो फिलहाल मेरे पास जो पहले से रखा हुआ है मैं इसका यूज़ करूँगा। जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ था मेरे पास आईएसओ फाइल में 10.10.1909 का जो लेटेस्ट वर्जन है, ये वाली, ये पैकेज फाइल का यूज़ मैं करूँगा। ये पैकेज फाइल का यूज़ करना है और हमें क्या करना है, CMD, हमें कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करनी है ना डाउनलोड नहीं करना है, बस हमें CMD कमांड प्रोमोट ऑन करनी है और कुछ कमांड लिखनी है बस, और पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, आईएसओ पैकेज फाइल चाहिए और CMD आपके सिस्टम में तो होगा ही, और आपको चाहिए बूटेबल बूटेबल बनाने के लिए पेन ड्राइव जो 8 GB का मिनिमम हो। 10 अगर डाल रहे हो तो 8 GB मिनिमम होता है। तो पेन ड्राइव में एक बार इंसर्ट कर लेता हूँ, पेन ड्राइव इंसर्ट हो गई, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा पेन ड्राइव आ गया रॉक एवी करके, ये मेरा पेन ड्राइव है। अब मुझे इसको क्या कराना है, बूटेबल बनानी है। तो सिंपल क्या है, अगर मैं, आप सोच रहे होगे कि इसमें नॉर्मल कॉपी पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल कॉपी पेस्ट करने से नहीं होगा, आपको इसको लायक बनाना पड़ेगा उसके। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, CMD ऑन करेंगे सबसे पहले। CMD ऑन करते ही आपको कुछ कमांड्स लिखने जो हमारा पेन ड्राइव उस लायक बन जाए, जैसे कि डिस्क पार्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लिस्ट डिस्क पे जाएंगे, लिस्ट डिस्क, देखिए लिस्ट डिस्क में हमें पूरी डिस्क की साइज और डिस्क्रिप्शन बताता है। जैसे कि हमारा जो पेन ड्राइव वो 14 GB का, ये वाली 14 GB का, ये जो दिख रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट डिस्क टू करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे एक बार, यहाँ से क्लीन हो गया। अब हमें कुछ कमांड सीखनी है, जैसे कि लिखने वाली चीज़ आप लिख सकते हो तो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ और टाइप भी कर रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके लिए कमांड क्या है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, स्पेलिंग सही से लिखिएगा ना तो कमांड नहीं लेगा। देखिए डिस्क पार सक्सेसेड इट इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन, पार्टीशन क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट पार्टीशन
सिलेक्ट पार्टीशन वन, बाय डिफॉल्ट पार्टीशन जब क्रिएट करते हैं तो एक पार्टीशन क्रिएट हो जाती है जिसका नाम होता है पार्टीशन वन। अब क्या करना है, पार्टीशन को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट टाइप हमारा क्या होगा, फॉर्मेट एफ एस इक्वल टू फैट 32, ये हमारा फाइल सिस्टम है 32, एंड क्विक क्विक इसके लिए डाल रहे हैं क्विक, ये जल्दी फॉर्मेट हो जाए, 0% है, वो हो गया। डिस्पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम, ये फॉर्मेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए एक्टिव का कमांड डालेंगे, एक्टिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, असाइन करें। जैसे असाइन करता हूँ मैं, देखिए क्या होता है, असाइन करने के बाद ये असाइन हो गया। डिस्क पर सक्सेसफुली असाइन द ड्राइव लेटर और द माउंट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा ये साइन नहीं हुआ, एक मिनट, पेन ड्राइव फिर से निकाल कर लगाएंगे। ये आ गया यूएसबी ड्राइव सेज करके, ये हमारा उसके लायक बन चुका है। अब सिंपल हमें क्या करना है, ये जो हमारी फाइल थी जिसको हम लोग माउंट करके रखे हुए थे, आपने अभी वहाँ से माउंट किए, लेकिन अब यहाँ से भी यूज़ करना चाहते तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ से यूज़ करता हूँ जो मैंने पहले से बना कर रखा हुआ था। हटा देता हूँ सबसे पहले, जैसे ये हटा हुआ, ये तो माउंट फाइल था, ये माउंट फाइल था। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, सिंपल है, मैं जाऊंगा अपने जहाँ में मैंने रखा था उसको सेव करके आईएसओ फाइल पे, ये मेरा एक्सट्रैक्ट फाइल जो था जिसको हम लोग पैकेज फाइल बोलते हैं, इसको सिंपल सा कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद चले जाइए अपने जो अपने पेन ड्राइव को भी रेडी किया, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल पेस्ट कर देंगे, या तो अभी से कमांड के थ्रू ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो और ये यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ से क्या, हमें कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी, एकदम इजी था, कुछ कमांड्स लिखे और हमारा रिवल पेन ड्राइव बन गया। तो हमें थोड़ा सा वेट करना, जैसे 26 मिनट दिखा रहा है क्योंकि ये समथिंग 4 GB का फाइल है, तो ये थोड़ा सा वेट करिए जब तक मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करूँगा। आप मत स्किप कीजिएगा, आप देखते रहिए लास्ट तक ताकि आपको पता चले कि अगर आप माउंट करके या फिर जैसे कि आपने डीवीडी में आपका पास ओएस रखा हुआ है और चाहते हो कि उस डीवीडी को मैं यूएसबी से फॉर्मेट करूँ, हो सकता है कभी कभी क्या होता है लैपटॉप में डीवीडी राइटर नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं पेन ड्राइव से बूटेबल करते हैं। तो हो सकता है आपके पास जो डीवीडी में रखा हो वो आपका जेन्युइन ओएस हो और आपके पास जेन्युइन ओएस और कहीं से ना रखा हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी डीवीडी की जो जेन्युइन ओएस हो उसको आप इसमें इस तरीके से एक्सट्रैक्ट फाइल को कॉपी करके कमांड के थ्रू आप इसको पेन ड्राइव में बूटेबल बना सकते हो, जिससे आप इजीली किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये एक अच्छा अच्छा ट्रिक है, अगर आपके पास डिस्क में है और फंसे हुए कहीं पर तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। ये रियल केस पर आता है कि आजकल डीवीडी राइटर बंद कर दिया गया है खासकर लैपटॉप्स में, तो वो बूटेबल ही बूटेबल अगर लेना होता है तो पेन ड्राइव से लेता है या फिर इंटरनेट से लेता है। तो आप डिस्क से यूज़ कर रहे हो तो डिस्क में अगर ओएस रखा हुआ है, जेन्युइन ओएस हो या फिर जो भी ओएस रखा हुआ, आप उसको कॉपी पेस्ट वाला काम कर सकते हो ऐसा। सो गाइस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लूँगा। गाइस बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ये बस थोड़ा सा 45 सेकेंड, जस्ट लाइक जैसे कि आपके पास कितना दिखा रहा है, 254, 251, ये सब इतनी एमबी बस बची हुई है कॉपी होने के लिए, 30 सेकेंड टाइम रिमेनिंग है। सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से इसको 10 से 15 मिनट में अपना बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं, अगर आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट अच्छी हो, रिक्वायरमेंट आप अच्छे से लगा के रखे हो और कॉन्फिग्रेशन एकदम तगड़ा हो तो 4 से 5 मिनट आपको लगेगा ये काम करने में। आपको 4 से 5 मिनट आपको बूटेबल रेडी हो जाएगा, वो भी मन चाह बूटेबल जो आप चाहते हो, आपको बस डिस्क में रखी हुई ओएस आपके बूटेबल पेन ड्राइव में आ जाएगा, आप डिस्क ना यूज़ करके आप पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हो बूटेबल के लिए। सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ईजिली है, सिंपल है। ये 1 मिनट 45 सेकेंड दिखा रहे हैं अभी, ये पैकेज फाइल है उसकी पूरी, मैंने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से बूटेबल कैसे बनाता है बनाए जाते हैं ये भी बनाया हुआ है, आप पिछले वीडियो में लिंक दी गई है मेरे चैनल पे, उसमें से आप जाकर देख सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कॉपी हो चुकी है हमारे पास, देखिए ये हमारा पेन ड्राइव जो है बूटेबल बन चुका है, ये हमारा 10 का बूटेबल बना हुआ जो पैकेज फाइल था हमने यहाँ पर कॉपी कर ली था, सिंपल सा हुआ था। अब
जैसे कि हमने पेन हमने यहाँ पे देखा था, आईएसओ पैकेज लिया हमने, सीएमडी ऑन की, कमांड्स मैंने लिखा, और उसके बाद हमने क्या किया, वो टेबल रेडी कर लिया कॉपी पेस्ट से। अब कमांड्स मैंने, कमांड्स में डिस्क्रिप्शन में और दे दूंगा कमांड्स क्या क्या है, कमांड्स देख लीजिएगा या फिर वीडियो पूरी अच्छे तरीके से देखिएगा इस कितना करके, तो आपको कमांड्स में दिख जाएगा। इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं आप लिख लीजिएगा कहीं और, ताकि आपको रिमेंबर रहे। सो इस वीडियो में यहीं तक, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप फॉर्मेट कैसे करेंगे, इज अ कंप्यूटर को बूटेबल पेन ड्राइव से बूट कैसे कराएंगे, क्योंकि यहाँ तक तो बूटेबल पेन ड्राइव को एक लायक बनाना था कि वो फॉर्मेट कर सके एक सिस्टम को, लेकिन ये इतना बूटेबल बनाने से फॉर्मेट नहीं होता कंप्यूटर। आपको बायोस में जाकर उसको सेटिंग्स देनी पड़ती है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तब जाकर बूटेबल पेन ड्राइव काम करता है। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि बूटेबल पेन ड्राइव से बूट कैसे करते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं आपके बायोस के अंदर, अभी प्रायोरिटी कैसे देते हैं। सो अभी तक के लिए थैंक यू।